Students, we were studying about the promotional forces. So, promotional forces are fundamental rights, fundamental duties, secularism, national symbols, and now, next, tourism and national integration. So, let's start about the tourism and national integration. Tourism right from the beginning has been the most important factor for national integration. Tourism helps in developing a sense of unity and offers opportunity to know our vast country. Tourism brings us closer. People know and understand the characteristics and problems of each other and this builds common feeling and outlook among them. Tourism is also helpful in knowing the development in culture, economy and industry and also the new dimensions of progress in the country india is like a garland of various flowers multicolored and multi fragrant flowers women uh, sorry, woven in a single thread are the part of this unique garland this simply means that we are united and live together with mutual tolerance tolerance and love द फीलिंग ऑफ अवर नेशनैलिटी मेक्स इंडिया अ प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल कंट्री टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन इसका मतलब है कि टूरिज्म जो पर्यटन होता है वो और राष्ट्रीय एकीकरण ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है शुरू से ही जो टूरिज्म रहा है वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक प्रमुख हेल्पिंग जो फैक्टर है तत्व है वह है इतना बड़ा हमारा देश है और इस सभी में एकता की भावना जो जागृत करता है वो टूरिज्म ही करता है टूरिज्म से हम एक दूसरे के निकट आते हैं एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं एक दूसरे की विशेषताओं को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं जिसके कारण हमारे जो विचार हैं जो हमारा दृष्टिकोण है जो हमारे भाव हैं वो एक समान होते जाते हैं जो टूरिज्म है हमारे देश के कल्चर को हमारे देश के इकोनॉमिक और औद्योगिक जो विकास होता है उसको नए नए आयाम तक पहुंचने में बहुत हेल्प करता है प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है हमारे देश की कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है हमारा जो देश है वो एक फूलों की माला के समान है जैसे कि एक माला में अनेक तरह के फूल रहते हैं अनेक खुशबू वाले फूल रहते हैं लेकिन वो एक ही धागे में पिरोए गए होते हैं इसी तरह से हमारा जो देश है वह भी एक माला की ही तरह है इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम सभी विभिन्न जाति धर्म भाषाओं के लोग हैं लेकिन हम सब एक सूत्र में एक धागे में बंद करके हमारे जो हमारा जो राष्ट्र है उसमें सब मिलजुल करके रहते हैं और आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं हमारी जो राष्ट्रीयता की जो भावना है नेशनैलिटी की जो भावना है यही हमारे देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली स्वरूप प्रदान करती है नाउ डिसरप्टिव फोर्सेस you have learned earlier that national integration was never a problem in ancient india as the entire nation was bound with the fabric of unity in fact a planned move to promote dividing force in the country was initiated in the 19th century with the propaganda of race theory in this race theory efforts were made to alienate people from each other today such things are on the decline. Still, there are some disruptive forces that hinder national integration in India. Some people for self-gain promote feelings of religion, caste, language or reason. This creates a situation of conflicts and tension in the society. Such a situation weakness weakens the country's unity and integrity. So students जैसे कि पहले बताया कि जो हमारा भारत जो पहले था उसमें नेशनल इंटीग्रेशन की कोई समस्या नहीं थी और लोग सभी आपस में एक सूत्र में बंधे हुए थे लेकिन धीरे धीरे देश में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती गई लोगों में सेपरेशन की भावना आती गई और लोग अलग अलग होते गए सबसे पहले जो है हमारे देश में अलगाव की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए नाइनटीन्थ जो सेंचुरी थी उसमें इसको बहुत बढ़ावा दिया गया यहाँ पर रेस थ्योरी मीन्स प्रजाति सिद्धांत को प्रचारित किया जाने लगा और उसके आधार पर भारत में रहने वालों को अलग अलग करने के प्रयास किए जाने लगे हालांकि अब इन बातों का प्रभाव कम होने लगा है और हमारे प्रेजेंट में इस तरह के जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे देश में विद्वान हैं लेकिन फिर भी हमारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है कुछ लोग इन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्सनल फायदे के लिए व्यक्तिगत हित के लिए इसको बढ़ावा देते हैं और कुछ लोग धर्म जाति भाषा क्षेत्र के के मुद्दों के आधार पर आपस में हम सभी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और लोग भावुक होकर उनकी बातों में आ भी जाते हैं इससे समाज में तनाव और संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं यह जो हमारा देश है इसमें एकता की भावना को ये सारी चीजें कमजोर करती हैं और हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती हैं सो वी विल स्टडी अबाउट द डिसरप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द नेक्स्ट वीडियो